देखिए दोस्तों, ये है चूल्हा। आपने देखा होगा कि गांव में आपको दिखेंगे मोस्टली, लेकिन हम में थोड़ी गांव वाला टच आया है, इसलिए हम लोगों ने अपने टेरेस पे ये आपको पता ही है हमारा टेरेस गार्डन है, तो यहाँ पे हमने इसके साइड में ये देखिए चूल्हा बनाया है छोटा सा। ये वैसे टोटल पूरा तरीके से गाँव वाला नहीं है, बट स्टिल हमने कोशिश करी थी कि वैसा बन आ सके। तो ये मेन पर्पस हमारा ये था कि हम जो अपन दाल बाटी खाते हैं या कुछ भी बनाना हो, इसलिए हमने ये बनाया था। तो मैं आपको, अगर आपको भी ये चूल्हा बनाना हो तो आप बता सकते हैं कैसे बनाते हैं इसको। मैं आपको पूरी स्टेप्स बताऊंगी, घर में कैसे बना सकते हो, अपने टेरेस पे कैसे रख सकते हो इसको। प्लीज़ घर में ना बनाएं, इसको ओपन एरिया में ही बनाएं। जैसे ये देखिए हमारे टेरेस पे हमने बनाया है, क्योंकि इसकी वजह से धुआँ हो सकता है आपके घर में और काली पड़ सकती है दिवाले। देखिए ये है कंडे काऊ डंग, जिसको अपन हवन में यूज़ कर सकते हैं। आपको पता ही होगा हवन में यूज़ कर सकते हैं, घर में कभी पूजा हो तब भी हम चला सकते, धूप दे सकते हैं। तो ये कंडे अगर आपको चूल्हे में यूज़ करना है तो चूल्हे में भी कर सकते हैं। तो ये है काऊ डंग से बने, ये प्योर गाय के गोबर से बने हुए कंडे है, उबले भी बोलते हैं इसको गाँव में। तो अगर आपको भी किसी को परचेस करना है, जैसे मैंने शायद देखा था अमेज़ॉन पर अराउंड 120 के 6 मिल रहे हैं, मैंने जब देखा था 2-3 साल पहले तब ये इतने के मिल रहे थे। बट अगर आपको चाहिए तो मैं फ्री में भी आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ, अगर आपको भी कर लेना है, या आपके बाहर फ्रेंड्स रहते हैं, आपको पता है सिटीज़ में ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है, तो आपको भी चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको फ्री में अवेलेबल प्रोवाइड कराऊँगी इसको। ठीक है, आप ले सकते हो, पूजा में यूज़ कर सकते हैं और अपने घर को भी शुद्ध कर सकते हो। जैसे अपन धूप देते हैं तो अपना घर में वातावरण भी बहुत अच्छा लगता है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है अगर धूप देते हैं अपन भगवान जी को भी। तो आप भी परचेस कर सकते हैं या घर में बना सकते हैं, ये प्योर गाय के बने हुए उबले हैं। थैंक यू।